नमस्ते। एक सवाल है जो बहुत बार मेरे से पूछा जाता है ड्यूरिंग माय ऑनलाइन क्लासेस आल्सो, और जब इंटरेक्शन होती है बहुत सारे लोगों के साथ फॉर कंसल्टेशंस, तो ये सवाल जो है बार बार उठ के आता है कि क्या डेस्टिनीज इंटरलिंक्ड होती हैं और फैमिली कर्मास क्या होते हैं, क्या एक तरह के इफ़ेक्ट्स जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं एक इंसान के चार्ट में, क्या सिमिलर चीज़ें उनकी फैमिली के चार्ट्स में दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं ये उठते हैं, और इसका अगर हम आंसर की बात करें तो यस, डेस्टिनीज आर इंटरलिंक्ड। और अगर एक फैमिली की लक चेंज होने वाली है या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, चेंज ऑफ प्लेस है, अगर वो एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल होने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको उनके चार्ट्स में दिख जाएगी। और सिर्फ एक आदमी के चार्ट में नहीं दिखेगी, वो पूरी फैमिली के चार्ट में दिखेगी, बिकॉज जो फैमिली कर्मा है वो एक साथ एक प्रकार से काम करता है। और अगर आपको कोई इस प्रकार की प्रेडिक्शन देनी है कि फैमिली मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं कोई जॉब की वजह से बाहर सेटल होने जा रहे हैं, कैसा रहेगा, तो हमेशा यू हैव टू चेक दी चार्ट्स ऑफ ऑल दी फैमिली मेम्बर्स। और मैं भी अपनी कंसल्टेशंस में कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि जॉब बाहर मिलेगी नहीं मिलेगी और सेटलमेंट अब्रॉड वगैरह के बारे में, तो मैं डेफिनेटली चार्ट्स जो हैं वो एज अ फैमिली देखता हूँ, पूरी फैमिली के देखता हूँ, तो ही उसके ऊपर कुछ प्रिडिक्शन हम लोग दे पाते हैं। तो देखिए, जैसे मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा डेटा इकट्ठा करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार चार्ट देखा और उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया या उसका रिकॉर्ड नहीं रखा। तो मेरे पास आप पिछले 26-27 साल के पुराने चार्ट्स भी मिल जाएंगे जो मैंने अपने अर्ली डेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जो चार्ट्स देखे हैं, और कुछ लोग उसमें से आज तक मेरे टच में हैं, आज भी प्रेडिक्शंस लेने मेरे पास आते हैं। तो मैं आज एक इसी प्रकार का केस उठाऊंगा जो प्रेडिक्शन मैंने अपने अर्ली डेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी करियर में दी थी, और उस समय देखिए एक्सपीरियंस कम था, तो आप सिर्फ एक सिंगल चार्ट देख के पूरी फैमिली की प्रेडिक्शन देने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम होता था, बट दैट प्रेडिक्शन केम आउट करेक्ट व्हेन आई सॉ दी फैमिली चार्ट्स। जो मुझे भी अपनी पर्सनल लेवल पे डाउट्स थे उस ज़माने में, वो बिकॉज ऑफ सीइंग ऑल दी चार्ट्स बहुत क्लियर हो गए। तो आई विल टेक यू बैक इन द ईयर 1997। तो उस टाइम पे जो ये जातक हैं, दे आर नोन टू मी एंड स्टिल मेरे टच में हैं, जिनका मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ही इज़ अ डॉक्टर। तो अगर आप ये चार्ट इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो देखिए इसमें ऋषभ लगन है। तो हम थोड़ा सा आइए इसके चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक वृषभ लगन की कुंडली है, और यहाँ पे लग्नेश शुक्र जो है वो सिक्स्थ हाउस के अंदर 12th लॉर्ड मार्स के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, गौर करने वाली बात ये है कि जो लगन लॉर्ड है वो 12th लॉर्ड के साथ एक मूवेबल साइन में बैठा हुआ है इन द सिक्स्थ हाउस। अगर आप देखेंगे तो इसको 12th हाउस से सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, अगेन फ्रॉम अ मूवेबल साइन। जो शनि है वो इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 9th और 10th लॉर्ड है। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि जो भाग्य उदय हो है वो बाहर हो रहा है जाके, क्योंकि जो 9th लॉर्ड है वो 12th में बैठा हुआ है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द 12th लॉर्ड फ्रॉम द 6th हाउस विच इज़ प्लेस्ड विद द लखना लॉर्ड। तो यहाँ पे बड़ा ही क्लियर स्पष्ट कॉम्बिनेशन है कि लग्नेश का 12वें और 9वें के साथ संबंध बन रहा है इन 6-12 एक्सिस। अब देखिए, आपको एक और मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स की कुंडलियाँ होती हैं वहाँ पे आपको बहुत बार कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे कि जो 10th लॉर्ड है वो 12th में प्लेस्ड होता है और
सिक्स का संबंध भी बन रहा होता है वहाँ पे, बिकॉज रीज़न क्या है, जो ट्वेल्थ हाउस है वो बाहर को रिप्रेजेंट करता है, वो हॉस्पिटल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का थोड़ा सा डाउट हमेशा रह जाता है कि ये बाहर सेटल होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज इस कॉम्बिनेशन में आपको सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी मिल रही है, ट्वेल्थ की इन्वॉल्वमेंट भी मिल रही है। ट्वेल्थ जो है हॉस्पिटल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्स हाउस डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जॉब को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक आप देखेंगे तो इस तरह का एक कन्फ्यूजन है कि ये जो बारहवां घर है ये सिर्फ हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इस चार्ट में ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करती हैं, एटलीस्ट यू नो इन द डेज व्हेन यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, जब आपका एक्सपीरियंस कम होता है तब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1997 में ये मेरे पास आए थे कि ये US जाना चाहते थे और कोई बाहर के लिए एग्ज़ाम होता था जिसको जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो इनके चार्ट को जब मैंने देखा तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया ये कॉम्बिनेशन था जो भाग्य उदय बाहर हो रहा था, तो डेफिनेटली हॉस्पिटल बाहर था। साथ में दूसरी चीज़ जो मैंने उस टाइम पे ऑब्जर्व की वो ये थी कि इनका जो फोर्थ लॉर्ड है सन, अगर आप देखेंगे तो एर्थ में जा रहा है, तो वहाँ पे भी एक तरह का कनेक्शन बन रहा था और एक राजयोग बन रहा था कि जो फोर्थ लॉर्ड है वो एर्थ में बैठा हुआ है, साथ में फिफ्थ लॉर्ड भी है। तो एर्थ हाउस में जाने का मतलब किसी प्रकार का कोई चेंज, एंड ये जो है ये उस टाइम पे मरकरी महादशा में थे और जब इनको विचार आया एग्ज़ाम देने का तो प्रॉबेबली शायद जून 97 या जुलाई 97 की बात रही होगी, अप्रॉक्सीमेटली वो टाइम था। और उस टाइम पे इनकी जो अगर आप महादशा देखेंगे तो मरकरी के अंदर वीनस चल रही थी, अगर मैं उस टाइम का टाइम देखता हूँ तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दशा भी शो की हुई है उस ज़माने की अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे इनकी मरकरी वीनस सैटर्न चल रही थी। तो तब इनको विचार आया एंड आई टोल्ड हिम कि आप प्रिपेयर कीजिए और तैयारी कीजिए, आपका हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मरकरी वीनस के बाद मरकरी सन आ रही है और जो मरकरी सन है वो एट्थ हाउस में राजयोग बना रहा है, यानी कि देर इज अ राजयोग बट उसमें कोई चेंज आएगा। अब देखिए मैं एक इस टाइम सिंपल टेक्निक की बात कर रहा हूँ और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में गया था बिकॉज तब मैं नया था ज्योतिष में, सो आई सॉ दी नवामशा ऑल्सो एंड D10 चार्ट ऑल्सो, बट अभी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरलिंक डेस्टिनीज की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल डिविजनल चार्ट्स में अभी नहीं जाऊँगा। तो मैंने इनको बोला कि आप प्रिपेयर कीजिए बिकॉज इसके बाद आपका राजयोग एक्टिवेट होने वाला है मरकरी सन में, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज मैरिड एट दैट टाइम। तो मैंने इनकी वाइफ का चार्ट भी देखा, तो अगर आप वाइफ का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली है ये और इसमें जो लग्नेश है वो मून नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, अगेन इन अ मूवेबल साइन, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न फ्रॉम द ट्वेल्थ हाउस। जो सप्तमेश है वो सेवन्थ और एट्थ लॉर्ड है यहाँ पे और बारहवें में बैठ के वो लग्नेश को देख रहा है। तो अगेन सेवन्थ और एट्थ लॉर्ड होने की वजह से एक आपको पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे लग्न का संबंध सातवें और आठवें के साथ बन रहा है। और दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज़, तो जो नाइन्थ लॉर्ड है जुपिटर वो एट्थ में बैठा हुआ है विद द ट्वेल्थ लॉर्ड मरकरी और साथ में सेकंड लॉर्ड सन भी है। अब देखिए मेरा एक वीडियो आप ये भी देख सकते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, तो वहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये बोला हुआ है कि ऐसे लोग जो हैं वो अनकन्वेंशनल चीज़ों में जाते हैं, मतलब कि अगर वो धर्म में होंगे तो दे जनरली चेंज देअर पाथ्स, मतलब रेगुलर जो मेन स्ट्रीम धर्म जिसमें वो पैदा होते हैं उससे डिफरेंट चीज़ें थोड़ी सी फॉलो करते हैं या थोड़े मॉडर्न हो जाते हैं। तो उस प्रकार का कॉम्बिनेशन इस कार्ड चार्ट में था बिकॉज शी बिलोंग टू अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो एक डेविएशन इस चार्ट में नज़र आ रही थी। दूसरी बात इस चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं जो फोर्थ लॉर्ड है वीनस, इट इज़ गोइंग इनटू द
फोर्थ हाउस फ्रॉम इटसेल्फ, क्योंकि वो सातवें में बैठा हुआ है, तो यानी इट इज़ गोइंग इनटू फोर्थ फ्रॉम फोर्थ. तो भवात भवन प्रिंसिपल के हिसाब से, एक मैंने अपनी विदेश यात्रा के वीडियो में भी बात की हुई है, होम अवे फ्रॉम होम, यानी कि दूसरा घर बनने के जो बाहर होगा उसके भी इस चार्ट में कॉम्बिनेशन थे, चांसेस थे. इनकी अगर हम दशा की बात करें तो उस समय इनकी दशा थी, आप देख सकते हैं, शी वॉज इन वीनस मून. तो वीनस मून जो है वो बाहर यात्रा कराने के योग बना रहा था, और उसके बाद वीनस मार्स आने वाला था, एंड देन वॉज वीनस राहु. अब वीनस मार्स जो है ये एकदम से चेंजेस लेके आता है. वीनस में मंगल की दशा जब आती है, एंड इस केस में दे आर वेल प्लेस्ड. मंगल जो है वो कर्क लग्न के लिए राजयोग कारक ग्रह है, और शुक्र यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड है. तो एक तरह से ये वीनस मार्स जो है ये अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता यहाँ पे रखता था, अगर आप देखेंगे. दूसरी चीज़ एक और अगर आप देखेंगे तो जो मैंने जैसे आपको बताया ही है कि ट्वेल्थ का संबंध यहाँ पे भाग्य के साथ बन रहा है, और भाग्य का जो लॉर्ड जुपिटर है, ये मैं मिस कर गया अभी बोलना, वो एट्थ हाउस में बैठ के ट्वेल्थ को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं. तो एक तरह से देखिए तो इस चार्ट के अंदर बाहर जाने के काफ़ी कॉम्बिनेशन थे. अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या मेरी वाइफ मेरे साथ जाएगी कि उसको बाद में आना पड़ेगा, बिकॉज अगेन यू नो ये भी एक क्वेश्चन था, और उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था उस टाइम पे, बिकॉज वीनस मार्स अच्छे योग तो दे रहा था लेकिन मंगल स्थिर राशि में बैठा हुआ था. तो थोड़ा सा मुझे डाउट रहा कि ये उस टाइम पे ट्रैवल करेंगी कि उसके बाद वीनस राहु में करेंगी कुछ महीने के बाद. तो इस प्रकार का एक डाउट था मुझे उस टाइम पे. लेकिन इनकी नवांश कुंडली के अंदर वही मंगल जो है वो नाइन्थ लॉर्ड होके ट्वेल्थ में बैठा हुआ था, तो इसलिए आई वॉज अ लिटिल श्योर कि हो सकता है ये साथ ही मूव कर जाए. तो उसके बाद ये कंसल्टेशन के बाद ये लोग चले गए, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स इनकी मुझे कॉल आती है कि मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ एक, और अभी दूसरा देने जाना है, एंड हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट. सो उसके बाद आई न्यू दैट ही हैड गिवन गॉन फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन. और अगर आप दोबारा से वो चार्ट देखेंगे तो इन्होंने मेरे से फिर सवाल ये किया था 1998 के अंदर, व्हेन हिज डॉटर वॉज बॉर्न एट दैट टाइम. तो ये मेरे पास दोबारा आए अपना चार्ट लेके, एंड उस समय 1998 के अंदर अगर हम देखेंगे तो इनकी मर्करी सन स्टार्ट हो चुकी हुई थी. तो इनका उस समय सवाल ये था कि मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आएंगी कि नहीं आएंगी, बिकॉज आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम यू हैव टू गिव इंटरव्यूज ऑल्सो, और मर्करी सन दशा इनकी स्टार्ट हो गई थी. तो मैंने इनको बोला कि आप जाइए, वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपका डेफिनेटली इंटरव्यू कॉल्स भी आ जाएंगी, एंड देर आर फुल चांसेज दैट यूल गेट सिलेक्टेड बिकॉज योर चार्ट शोज दैट. अब यहाँ पे इनके चार्ट में मैं काफ़ी हद तक श्योर था, इनकी वाइफ के चार्ट में भी दिख रहा था, बट नाउ ही ब्रॉट द चार्ट ऑफ हिज डॉटर ऑल्सो, जो उस साल 1998 में पैदा हुई. अब इस चार्ट को जब मैंने देखा तो आप देख सकते हैं कि 1998 के अंदर इस बच्चे की जो दशा थी वो सन वीनस चल रही थी. और अगर इस चार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो लगन लॉर्ड है वो सिक्स्थ हाउस में नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है. अगेन हमने बात की थी कि नाइन्थ लॉर्ड का अगर ट्वेल्थ के साथ संबंध बन जाए और लग्नेश का भी साथ में कनेक्शन हो तो भाग्योदय बाहर होता है. और अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे भी जो टेंथ लॉर्ड है वो ट्वेल्थ में बैठ के लगन लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है. तो अगेन जो इनके फादर के चार्ट में कॉम्बिनेशन था कि टेंथ लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ में जा रहा है, नाइन्थ लॉर्ड उस केस में आप देखेंगे तो सैटर्न है, नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड वो ट्वेल्थ में जा रहे हैं, और सामने से उसको ट्वेल्थ लॉर्ड और लगना एस्पेक्ट दे रहा है. सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आपको इस चार्ट में भी देखने को मिल रहा है. तो अगेन यहाँ पे एक चीज़ श्योर हो गई कि इस बच्चे की कुंडली के अंदर बाहर सेटल होने के योग हैं,
और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फोर्थ लॉर्ड अपने से फोर्थ में जा रहा है, जो अभी हमने भवात भावम के बारे में बात की थी, और यहाँ पे वो योग कारक शनि है, साथ में ग्यारहवें का मालिक है, साथ में सेवन्थ लॉर्ड मार्स भी है। तो अगेन एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। और अगर दशा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मून की जो महादशा है, चंद्र महादशा, इस कुंडली में फरवरी 1999 में स्टार्ट हो रही है। और ये 1998 में इस बच्चे के जो फादर है ये इंटरव्यूज़ के लिए बाहर जाने वाले थे, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक नवंबर की बात रही होगी, नवंबर दिसंबर की, जब इनको जाना था। सो आई टोल्ड हिम आप जाइए, आपका बाहर जाने का वीज़ा आ गया है। दैट वॉज द टर्म विच आई यूज्ड विद देम, क्योंकि जो बच्चा है इसकी जो किस्मत है, जो इसकी दशाएं हैं, वो सब बाहर की हैं। ये जिस देश में पैदा हुआ है ये बच्चा, ये वहाँ पे पलेगा बढ़ेगा नहीं, दिस किड विल बी सेटल्ड अब्रॉड एज पर द चार्ट। क्योंकि अगर आप देखिए तो पहले एकदम से 99 ऑनवर्ड्स इनकी 10 साल की चंद्र दशा है, जो 12वें घर में बैठा हुआ है। उसके बाद मार्स की दशा है, जो मंगल है वो मूवेबल साइन सेवन्थ हाउस में, सेवन्थ लॉर्ड है, साथ में सैटर्न बैठा हुआ है जो फोर्थ लॉर्ड है। अगेन इट इज़ शोइंग अब्रॉड, पूरा पूरा ये कॉम्बिनेशन बाहर का है। मैंने जैसे बोला मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ डिविजनल चार्ट्स में, बट अगर आप इनके और डिविजनल चार्ट्स देखेंगे तो आपको सिमिलर कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी मिल जाएंगे जो बाहर सेटलमेंट दिखा रहे हैं। बट उस समय देख के ये बड़ा क्लियर इंडिकेट हो रहा था कि ये बाहर का ही चार्ट है, और मैंने ये बोल दिया कि आपका वीज़ा आ गया है बाहर का और आप बाहर सेटल हो पाएंगे। तो उस टाइम पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1998, तो मुझे बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस था एस्ट्रोलॉजी का, एंड आई वाज एबल टू गिव दिस प्रेडिक्शन एट दैट टाइम, बिकॉज एक तो मैंने प्रिंसिपल्स प्रॉपरली लगाए जो हमें सिखाए गए थे, और दूसरी चीज़ मैंने पूरे फैमिली के चार्ट देखे, तीन लोग थे एज अ फैमिली और मैंने तीनों के चार्ट देखे। अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ये बच्चे का चार्ट देखेंगे तो जैसे मैंने बोला इनके अपने फादर जैसे सिमिलर कॉम्बिनेशंस थे, 10th लॉर्ड एंड 12th हाउस 6 से एस्पेक्ट, और मैंने उस समय बोला कि जो 12वां घर है वो हॉस्पिटल का भी होता है, तो कन्फ्यूजन रहती है थोड़ी सी। तो इस बच्चे की कुंडली में भी वो हॉस्पिटल वाले योग हैं, एंड अभी रिसेंटली मुझे पता चला, बिकॉज यू नो आई एम इन टच विद देम अभी भी, दैट दिस गर्ल शी इज़ ऑल्सो डूइंग मेडिकल, लेकिन इस समय शी इज़ इन US और वहाँ पे ये मेडिकल कर रही है। तो अगेन जैसे कॉम्बिनेशंस फादर के चार्ट में आपको सिमिलर कॉम्बिनेशंस यहाँ मिल रहे हैं, एंड उसी प्रकार आप देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमारे को मतलब हर चीज़ में बड़े बड़े कंसेप्ट्स नहीं देने चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी कर्म वगैरह प्रारब्ध ये वो, यू नो जब हम थ्योरी की बात करते हैं वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट देम ऑल्सो इन अनदर वीडियो। बट लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपको प्रैक्टिकली इंटरलिंक डेस्टिनीज, फैमिली कर्मास, ये सारी चीज़ें दिखा सकती हैं अगर आप फैमिली के सारे चार्ट्स एक साथ स्टडी करेंगे तो, और आपको थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशंस उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक वीडियो मैंने, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये बनाया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।